आज का हमारा लेक्चर है यर्टिकेरिया। क्या होता है ये? एन ऑडिमा इन अपर डर्मिस ऑफ स्किन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामाइंस इज नोन एज अर्टिकेरिया। जो अर्टिकेरिया है उसका जो मेन इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑडिमा हो जाता है अपर डर्मिस ऑफ द स्किन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामाइंस, यानी कि जो अपर डर्मिस अपर लेयर होती है स्किन की, उसमें हिस्टामाइंस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडिमा हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्टिकेरिया। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पर। ये हमारा इंट्रोडक्शन अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी कॉमनली नोन एज हाइव्स, यानी कि जो हमारा अर्टिकेरिया है कॉमनली इसे हाइव्स के नाम से भी जाना जाता है। देन अर्टिकेरिया इज कॉमन स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ रेड इची वेल्स और स्वेलिंग ऑन द स्किन। यानी कि अर्टिकेरिया क्या है? कॉमन स्किन कंडीशन है जो कैरेक्टराइज कैसे होती है, सडन अपियरेंस ऑफ रेड इची वेल्ट्स। रेड इची वेल्ट से ये हमें अपियर होती है करेक्टराइज, और स्वेलिंग भी हो जाती है इसमें स्किन पे। कॉमनली इसको, इसका जो कॉमन नेम है, सेकेंड नेम है हाइव्स है, हाइव्स के नाम से इसे जाना जाता है। अर्टिकेरिया और हाइव्स दोनों भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अर्टिकेरिया क्या है और हाइव्स क्या है, दोनों ही सेम कंडीशन है, स्किन की कंडीशन है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ये कितने टाइप की होती हैं? ये होती है मेनली टू टाइप्स की। टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? एक्यूट होती है और होती है हमारी क्रॉनिक। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट हमारा आता है लास्ट लेस देन 6 वीक, क्रॉनिक आता है परसिस्ट फॉर मोर देन 6 वीक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 वीक तक रह सकती, इससे ज्यादा नहीं होगी एक्यूट। क्रॉनिक हमारा 6 वीक से ज्यादा होगी तो उसे हम क्रॉनिक कंसीडर करते हैं। एक्यूट हमारा इट्स ट्रिगर्ड ऑफन ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन सर्टेन फूड्स मेडिकेशंस और इंसेक्ट स्टिंग्स, यानी कि ये हमारा ट्रिगर्ड होता है इन्फेक्शन से, सम टाइप ऑफ फूड से, मेडिकेशंस कोई भी हो सकती है, कोई इंसेक्ट बाइट हो गई, स्टिंग हो गई, किसी भी वजह से हो सकता है। यानी कि एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन है जो हमारे स्किन पे सो होता है, जहां पे हिस्टामाइन वगैरह रिलीज होता है। देन क्रोनिक कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कॉज इज ऑफन हार्डर, यहाँ पे कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर रीजन क्या है, इसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन इसको लिंक कर सकते हैं, ये लिंक हो सकती है ऑटो इम्यूनिट डिसऑर्डर से। यानी कि जब ये हमारी ये कंडीशन होती है, ये इन्फेक्शन होता है, देन क्या होता है उसके बाद हमारा जो ऑटो इम्यूनिट डिसऑर्डर है, ये इसमें इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसका रीजन नहीं पता, बट जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन है उसी को, अगर वो 6 वीक से ज्यादा होता है तो हम इसे लिंक कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। कॉजेज एंड ट्रिगर्स, कॉजेज एंड ट्रिगर्स क्या होंगे? अर्टिकेरिया कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले आता है हमारा एलर्जेंस, कोई भी एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे कि फूड लाइक नोज सेल फेस एंड एग्स। देन आता है मेडिकेशंस, मेडिकेशंस में आते हैं एंटीबायोटिक्स एस्पिरिन एंड इब्यूप्रोफिन। फिजिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है? कोल्ड की वजह से हो सकता है, हीट प्रेशर एंड सनलाइट। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कौन कौन से? वायरल बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक। स्ट्रेस, स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस कैन बी एग्जैजरेट द कंडीशन, यानी कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो कंडीशन है वो और ज्यादा सीवियर हो सकती है और ज्यादा एग्जैजरेट हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी, अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। द कंडीशन अकर व्हेन हिस्टामाइन एंड अदर केमिकल्स आर रिलीज, यानी कि ये कंडीशन कब होती है? जब हिस्टामाइंस एंड केमिकल्स, जो भी अदर केमिकल्स होते हैं, रिलीज होते हैं कहां से? फ्रॉम द मास सेल्स इन द स्किन के अंदर, कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू लीक। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड रेडनेस फॉर्म हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, ये माइंड से स्किप हो गया, इसको हम इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इसे फ्लो चार्ट में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो हिस्टामाइंस हैं अदर केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामाइंस एंड अदर केमिकल्स रिलीज होते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, ये कहां से अकर होते हैं? कंडीशन अकर व्हेन हिस्टामाइंस, हिस्टामाइन सबसे पहले आएगा हमारा,
हिस्टामाइंस एंड अदर केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स, यानी कि मास्ट सेल से रिलीज होते हैं. मास्ट सेल्स हमारा पहले आएगा, मास्ट सेल. मास्ट सेल्स के बाद हिस्टामाइन और अदर केमिकल्स रिलीज होते हैं. देन क्या होता है कि कहाँ पे रिलीज होते हैं, स्किन में, इन द स्किन. यहाँ स्किन लिखेंगे. इसके बाद आता है हमारा, स्किन में रिलीज होने के बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं. तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स लिखेंगे, लीक, लीक ब्लड वेसल्स हो गई. उसके बाद क्या होता है कि स्किन में स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग एंड रेडनेस. तो इस तरीके से हम इसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. देन आता है सिम्टम्स. रेड और स्किन कलर्ड वेल्ट्स विद डिफाइंड एजेस, यानी कि रेड और स्किन कलर्ड वेल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं डिफाइंड एजेस, यानी कि जो उनकी एजेस है वो क्लियरली दिखाई देती हैं, फॉर्म होती हैं. वेल्ट्स दैट आर वेराई इन साइज एंड शेप, इनका साइज और शेप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. इचिंग विद विच कैन बी सीवियर, जो इचिंग है, इचिंग सीवियर भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है. स्वेलिंग पर्टिकुलरली ऑफ द लिप्स, आईलिड्स एंड थ्रॉट में स्वेलिंग हो जाती है. ये हमारे सिम्टम. डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस प्राइमरी क्लिनिकल होता है, बेस्ड होता है अपीयरेंस पे ऑफ द स्किन, स्किन की अपीयरेंस कैसी है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, इस पे बेस्ड होता है. समटाइम क्या कर सकते हैं कि एलर्जिक टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होती है तो. एलर्जिक टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन से. तो ये था हमारा डायग्नोसिस. मैनेजमेंट टिप्स, वेयर लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग. अगर आपको स्किन पे रैशेस हैं, इचीज है, इचीनेस है, तो आप लूज और कंफर्टेबल क्लोथिंग वेयर कर सकते हैं. अवॉइड हॉट शॉवर एंड बाथ. यूज कोल्ड कंप्रेस, कूल कंप्रेसेस ऑन अफेक्टेड एरिया. कीप अ डायरी टू ट्रैक पॉसिबल ट्रिगर्स, यानी कि अपने ट्रिगर्स जिससे आप ये कंडीशन ट्रिगर हो रही है, सीवियर हो रही है, एग्जैसिबेट हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है और अवॉइड करना है. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आता हमारा, पहले देखेंगे एंटीहिस्टामाइंस. एंटीहिस्टामाइंस देंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू रिलीव इचिंग एंड स्वेलिंग. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज फॉर सीवियर केसेस, यानी कि सीवियर केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे, अदरवाइज हम एंटीहिस्टामाइंस देंगे. अवॉइडिंग ट्रिगर्स, जो भी ट्रिगर फैक्टर्स होंगे उनको अवॉइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड अवॉइड करेंगे नॉन ट्रिगर्स को. ओमालिजुम्बा एन ऑप्शन फॉर क्रोनिक अर्टिकेरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीहिस्टामाइन, यानी कि जो भी इससे एंटीहिस्टामाइन से रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको ओमालिजुम्बा देते हैं. कंक्लूजन, अर्टिकेरिया वाइल ऑफन अनकंफर्टेबल इज यूजुअली मैनेजेबल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट. ओके, इफ यू एक्सपीरियंस परसिस्टेंट और सीवियर सिम्टम्स कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ये आपके लिए नहीं है, ये उन पर्सन्स के लिए हैं जो एक तरीके से जो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन चाहते हैं. क्या कर सकते हैं, मैनेजेबल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट से हो सकता है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट कर सकते हैं. अगर कोई भी आप परसिस्टेंट या सीवियर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं. ये एक तरीके का नर्सिंग मैनेजमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ये एक तरीके का नर्सिंग एडवाइस है, नर्स एडवाइस कर सकती है पेशेंट को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ टिप्स एंड लेक्चर्स. थैंक यू फ्रेंड.